एक हेल्थी सैलेड है, हाउ टू मेक ग्रीक सैलेड। ग्रीक सैलेड एक जो कि आपका कोल्ड सेक्शन से जाता है, गारमंजर से, जो कि एक बहुत अच्छा सैलेड है। कॉन्टी किचन में आता है जो? हाँ जी, कोल्ड सेक्शन में, कॉन्टी सेक्शन से जो है। तो हाउ टू मेक ग्रीक सैलेड, ग्रीक सैलेड कैसे बनाना है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग ड्रेसिंग बनाएंगे। ड्रेसिंग बनाने के बाद सैलेड कैसे मिक्स करना है, मिक्स करने के बाद हमने कैसे सैलेड को सर्व करना है गेस्ट को ऑन टेबल। तो सबसे पहले ड्रेसिंग बनाने के लिए हमारे पास सैलेड ऑयल होना चाहिए। ये सैलेड ऑयल, विनीगर, वाइट सॉल्ट, ब्लैक पेपर क्रश, ऑर्गेनो, लेमन जूस और फेटा चीज़, येलो कैप्सिकम, ऑनियन, ग्रीन कैप्सिकम, कुकुम्बर, टमाटो और रेड कैप्सिकम, लेटूस, आइसबर्ग और रोमन लेटूस। बनाने के लिए डाइस ही होना जरूरी है। हाँ, डाइस बेटर रहेगा उसके लिए। तो ये सबसे पहले हमने ये कर लिया, ये सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी कर लिए। रेडी करने के साथ साथ सबसे पहले आपको ग्लव्स यूज़ करना है ड्रेसिंग बनाने के लिए, ताकि आप प्रॉपर एक हाइजीन भी मेंटेन रहेगा आपका। तो सबसे पहले ये ग्लव्स यूज़ किया हमने। तो पहले मैंने आपको बोला कि फर्स्ट ऑफ आपको ड्रेसिंग बनानी है। ड्रेसिंग बनाने के लिए सबसे पहले आपका ये सैलेड ऑयल यूज़ करोगे आप, ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं आप और सैलेड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों। तो ये लिया आपने, उसके बाद आपका ये ब्लैक पेपर क्रश, अकॉर्डिंग टू आपका सैलेड की क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में आपका सैलेड है, ये हो गया आपका। उसके बाद 2 से 4 ड्रॉप आपके विनीगर रहेगा, तो ये आपका विनीगर। उसके बाद लाइम जूस, ये आपका जूस। उसके बाद क्या करना है आपको, इस तरीके से ये हैंड से इसको बीट करना है। ये इस तरीके से जैसे बीट करोगे हल्का सा थिकनेस होगा, और जैसे ही थिकनेस हो जाएगा आपको ये ऐसे कंटिन्यू कर लेना है। उसके बाद फर्स्ट ऑफ आप इसको हल्का सा मतलब सॉल्ट पेपर टेस्ट कर सकते हो, अगर कम लग रहा है तो अभी भी आप ऐड कर सकते हो। फिर उसके बाद सबसे पहले आपका ये टमाटो, 4 to 5 पीसेस टमाटो, रेड पेपर, रेड पेपर हो गया। उसके बाद ऑनियन, ऑनियन हो गया, कुकुम्बर। अगर इंग्लिश कुकुम्बर है तो आप तो विदाउट फिल के भी यूज कर सकते हो। ये आपका येलो पेपर, ये ग्रीन पेपर, उसके बाद ये मिक्स करना है ऐसे इस तरीके से। मिक्स करने के साथ साथ आपका लास्ट सॉप लेटूस रहेगा। लेटूस के पत्ते आपको क्या करने हैं, तोड़ के रखने हैं और ऐसे ही डाल देना है। उसके बाद ये इस तरीके से छोटे 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 साइज में ये क्यों हो गए। तो ये आपका, ये इस तरीके से आपका ये ग्रीक सैलेड बना मिक्स करोगे अच्छे से प्रॉपर। आपको सॉल्ट पेपर का टेस्ट लगना चाहिए। सॉरी, ये हो गया आपका ग्रीक सैलेड प्रिपेयर, तैयार। उसके बाद आपको सर्व कैसे करना है ये मैं दिखा देता हूँ। ये रहेगा, उसके बाद आपके जो भी सैलेड रहेगा कोल्ड सेक्शन से, सारे सैलेड्स एकदम हाइट में जाएंगे। तो बिल्कुल हल्के हाथ से आपको ये बहुत हल्के हाथ से इसमें प्लेट्स में छोड़ना है आपको इस तरीके से। ये और सबसे लास्ट आपका ये रहेगा फेटा चीज, ये आपका फेटा चीज रहेगा। खाली गार्निशिंग और प्रेजेंटेशन के लिए, ऑलिव्स भी गार्निशिंग के लिए। तो ये इस तरीके से आपको 4 to 5 पीसेज आपको ये लगा देना है, और उसके साथ साथ ये आपका ग्रीक सैलेड बन के तैयार हो गया। और ये इस तरीके से आप गेस्ट को सर्व कर सकते हैं। तो